ओर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच गए हैं। मंत्री विधायकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। भजनलाल सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए। राजस्थान का भागीरथ जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। सीएम ने सभी का आभार जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, पहुंच चुके हैं राजस्थान और अब पहुंच चुके हैं विधानसभा। तस्वीरें आपके सामने जहां पर देखिए, गर्मजोशी के साथ गुलदस्ता भेंट करते हुए मंत्री विधायकों ने स्वागत किया मुख्यमंत्री का। इसके साथ साथ भजनलाल सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए। भागीरथ कहा गया राजस्थान का भागीरथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए विधायक और मंत्री, और इसी के साथ मुख्यमंत्री भी गदगद नजर आ रहे हैं स्वागत के साथ, और सभी का उन्होंने आभार भी स्वागत के लिए, गर्मजोशी के लिए जताया है। एक भीनी सी मुस्कान आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर। दरअसल ये जीत की मुस्कान है, क्योंकि एक बहुत पुराना जो विवाद था ERCP का, वो आखिरकार रिजॉल्व हो गया है और अब किसानों के लिए इसे बड़ी सौगात माना जा सकता है, पूर्वी राजस्थान के लिए बड़ी सौगात माना जा सकता है, क्योंकि पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है और इस विवाद को आखिरकार मध्यप्रदेश के साथ सुलझा लिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से कल MOU भी साइन हुआ है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के बाद दौरा करते हुए जब आज पहुंचे राजस्थान, तो देखिए किस तरह से राजस्थान का भागीरथ जिंदाबाद के नारे विधायकों ने, मंत्रियों ने लगाए हैं। इसके साथ साथ भजनलाल सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। गर्मजोशी से स्वागत किया गया विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का, और इसके बाद सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लाइन लगा लो, आराम से मिल सो, कमाल कर रहे हैं।